और यार मतलब मेरी शादी हुई नहीं, लेकिन फिर भी मुझे एक बात पूछनी है यार। पत्नी क्या सच में बोझ लगने लग जाती है एक टाइम के बाद? तो मैं आपको मजे देने के लिए एक बात बताने वाला हूँ कि सोने से पहले बीवी के साथ क्या करना चाहिए। यार गंदे लोग, गंदा दिमाग चलता है। छी, मैं अच्छी बात कर रहा हूँ यार। शादी करना और उसको निभाना कोई बच्चों का खेल तो नहीं है भाई साहब। शादी के बाद पति और पत्नी दोनों को कई कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, क्योंकि कई बार रिश्ते में हुई छोटी से छोटी गलती भी भयानक रूप धारण कर लेती है और इस पवित्र रिश्ते में मनमुटाव पैदा कर देती है। ये मान लीजिए कि आपकी एक छोटी सी भूल भी आपकी शादीशुदा जिंदगी को नर्क बना सकती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां शादी के बाद अपने पति के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती और उन्हें इग्नोर करके गैर मर्द के साथ संपर्क में आ जाती हैं। इसमें कसूर केवल उन लड़कियों का नहीं बल्कि लड़कों का भी है। आपने हिंदी की कहावत तो सुनी होगी कि ताली हमेशा दो हाथों से ही बजती है, इसलिए अगर आपकी पत्नी आपको छोड़कर किसी और की तरफ आकर्षित हो रही है तो इसमें कहीं ना कहीं दोष आपका भी है। पति के काम में बिजी रहने की वजह से कई बार पत्नियां जो सुख चाहिए होता है उन्हें वो नहीं मिल पाता है ना, तो जिसके कारण वो अपना प्यार दूसरों में ढूंढने लग जाती हैं। मगर आज मैं आपको 5 ऐसे टिप्स देने जा रहा हूँ जिन्हें अपनाकर आप अपनी पत्नी को अपने प्यार में पागल कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस रोज रात को सोने से पहले ये 5 काम करने होंगे। पहला, अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में मिठास बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लाइफ में थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा रोमांस का तड़का लगाना पड़ेगा, क्योंकि दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार बरकरार रखने के लिए, रोमांस बरकरार रखने के लिए देखिए बहुत जरूरी है। रोमांस पति पत्नी के बीच की हर दीवार को खत्म कर सकता है। अगर आप दिन भर काम में बिजी रहते हैं तो रात को सोने से पहले बेडरूम में अपनी पत्नी के साथ कुछ मीठी और कुछ प्यारी भरी बातें कर लें, तो ऐसे करने से आपकी पत्नी और आपके अलावा किसी और के पास नहीं जाएगी, ठीक है। दूसरा सुनिए, बड़ा अच्छा है। तो हर लड़की अपने साथी में बेइंतहा प्यार चाहती है, ऐसे में अगर उसको वो प्यार नहीं मिलता तो गैर मर्द की ओर आकर्षित होने लगती है। अगर आप अपनी पत्नी को सोने से पहले गले लगा लें तो वो दिन भर की थकान और टेंशन मिलकर आपकी बाहों में सिमट जाएगी। इससे आपका अपनी पत्नी के साथ भावनात्मक कनेक्शन जुड़ जाएगा। देखिए जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस से तो भागेगी हूँ बच्चो बच्च के तनु रबण हुसन दिता रज रज के। आपकी पत्नी ऐसी होंगी कि बहुत खूबसूरत होंगी, लेकिन देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो गैर मर्द बहुत सारे हैं उस पर, ये ध्यान रखना। हर व्यक्ति का प्यार जताने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। ऐसे में किस करना एकमात्र ऐसा तरीका है जो लोगों को आपस में इमोशनली और फिजिकली जोड़ कर रखता है। हर रोज बीवी को किस करने से उन्हें इस बात का एहसास होता रहता है कि आप उन्हें कितना चाहते हैं। ऐसे में मैं आपको धोखा देने के बारे में सपने में सोच भी नहीं सकती, ऐसा लड़की सोचेगी, समझे। ओ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, संभोग पुरुषों की ही नहीं बल्कि महिलाओं की भी कुछ शारीरिक जरूरतें और इच्छाएं होती हैं जो वो शादी के बाद अपने पति से पूरी करना चाहती हैं। ऐसे में अगर शादी के बाद उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति ना हो तो उनका मन भटक जाता है और वो आपको धोखा देने के लिए आपको छोड़ निकल पड़ती हैं। इस स्थिति से बचने के लिए बेटा हर हफ्ते कम से कम 1 से 2 बार अपनी बीवी के साथ संभोग कर लेना बच्चे। अब जो आता है बहुत इम्पोर्टेंट, ये हर पत्नी की जरूरत होती है। जितनी मैंने अभी तक बताया वो सारी जरूरत ही थी, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर फोन भी करो ना ऑफिस से तो बेबी की तारीफ करना मत भूलना। क्या आएगी, हर लड़की को अपनी तारीफ सुनना बहुत अजीज होता है। ऐसे में अगर आप सोने से पहले अपनी पत्नी के सामने उसके तारीफों के पुल बांधेंगे तो वो आपसे खुश हो जाती है और आप उनके लिए स्पेशल बन जाते हैं। तो दिल तेरा मेरा दिल जुड़ जाएगा आप दोनों का दिल और आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। और इसी आशा के साथ मैं निकलता हूँ, भगवान आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। अच्छा, जो सिंगल है उनके लिए एक बात बोलना चाहता हूँ, बेटा सदा कैसे नोबा भवा।